निकीज किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ ओल की सब्जी। ये सूरन भी बोलते हैं, जिमीकंद भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखने में इस तरह से होता है, बाहर से मिट्टी मिट्टी जैसा होगा। इसे चाकू से खुरचते हुए इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। छोटे टुकड़ों में काटने के बाद इसे पानी में डिप कर देंगे और जाली में छान लेंगे। पानी को निकल जाने देंगे अच्छे से। ये अच्छे से सफाई कर लेते हैं, इसमें थोड़ा मिट्टी होता है तो इसलिए सफाई बहुत अच्छे से करेंगे। ये देखिए मैंने धो लिया है और इसे जाली में रख लिया है। ये बिल्कुल रेडी है। अभी दूसरी तरफ हम पानी उबाल लेते हैं। पानी उबाल करके ओल उसी में डालेंगे और 2 मिनट के लिए इसे कुक होने देंगे। एक बॉयल आता है उसके बाद गैस बंद कर देंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, बिल्कुल सॉफ़्ट नहीं करना है, बस 10%, ज़्यादा नहीं। ये देखिए अभी मैंने निकाल लिया है जाली पे। ये देखिए बिल्कुल भी पका नहीं है, बहुत कम, बस एक बॉयल आया है। चलिए इसे भून लेते हैं। कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे 2 चम्मच के करीब। तेल गरम होने के बाद में जो हल्का सा उबला हुआ था ओल उसे डालेंगे और इसे 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। मैं इसमें नमक भी मिला रही हूँ ताकि इसके अंदर अच्छे से नमक चला जाए। ये थोड़ा सा कड़ा होता है इसलिए नमक डालना ज़रूरी है। ये देखिए थोड़ा सा रंग बदल गया है, लेकिन अभी और भूनेंगे। ये देखिए अभी ये गुलाबी हो गया है, ये भून चुका ऑलमोस्ट। 7 से 8 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर भून लिया है। आगे देखते हैं। ये धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और काली मिर्च पाउडर। अब मसाले को तैयार कर लेते हैं। एक बड़े कटोरे में सारे मसाले को डालेंगे और इसमें पानी डाल करके एक घोल तैयार करेंगे। अगर ऐसे मसाले डालते हैं तो बहुत जल्दी जलने का डर होता है, लेकिन अगर हम पानी में इसे डाल के रख देते हैं तो मसाला बहुत अच्छे से भुनता है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और पानी डाल करके गाढ़ा घोल तैयार करके रख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें मैंने 2 बड़ा प्याज काटा हुआ है और 1 बड़ा टमाटर काटा हुआ है, लाल मिर्च 2, 1 तेज़पत्ता, जीरा और अदरक कसा हुआ 1 चम्मच मैंने लिया हुआ है। चलिए पैन गरम कर लेते हैं। इसमें डालते हैं तेल, यहाँ 3 चम्मच तेल मैंने लिया है। अब इसमें तड़का लगाते हैं। जीरा, तेज़पत्ता, लाल मिर्च, हाँ यहाँ पे हींग मैं डाल रही हूँ। हींग डालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत डालिए, लेकिन ओल में डालते हैं। अब डाल लेते हैं प्याज। प्याज डाल के मीडियम फ्लेम पे इसे भुनेंगे तब तक जब तक कि ये पिंक कलर का ना हो जाए, गुलाबी ना हो जाए। अभी थोड़ा सा और भुनेंगे। ये देखिए प्याज भुन करके अब तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक। अदरक का फ्लेवर मुझे बाद में डालना अच्छा लगता है, या तो फिर मसाले के साथ पेस्ट में मैं डालती हूँ। प्याज भुन चुका है, अब डालेंगे मसाला जो हमने भिंगा करके रखा हुआ था। मसाला डालने के बाद में मसाले को भी लगातार चलाते हुए भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं भूनेंगे वरना मसाला जल सकता है। ये देखिए मसाला थोड़ा भुन चुका है। अब इसमें हम डाल लेते हैं कटा हुआ टमाटर ताकि इसके साथ भी मसाला भुनते रहेगा। टमाटर डालने के बाद साथ में डालेंगे नमक। नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी पक जाता है। अब इसे ढक करके पकाएंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ काश्मीरी मिर्च, ये कलर के लिए है, ऑप्शनल है। अब ये ढक करके हम मसाले को अच्छे से पका लेंगे जब तक कि तेल निकलना शुरू नहीं हो जाता है। ये देखिए, और साथ ही मैश भी करते जाएंगे टमाटर को। ये देखिए मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पे मैं लगभग 1/2 लीटर पानी डाल रही हूँ। ग्रेवी आप अपने हिसाब से गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। ये सब्जी चावल के साथ खाई जाती है इसलिए थोड़ी सी ग्रेवी ज़रूरी है। ये देखिए ग्रेवी में उबाल आ चुका है। अब ये भुना हुआ जो था 80% ये कुक है, बस 10% या 20% बाकी है, इसलिए ग्रेवी में डाल करके 5 मिनट के लिए ढक करके इसे पका लेंगे।
5 मिनट बाद देखिए ये पक चुका है, बिल्कुल रेडी है ये। और एक चीज़ अभी रह गया है जो आमचूर और गरम मसाला, तो वो सबसे लास्ट में डालेंगे। मैं डाल रही हूँ आम, ये है गरम मसाला 1 छोटा चम्मच और आमचूर आधा चम्मच। इसे डाल करके मिला देंगे और ढक करके 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। सब्ज़ी आपकी तैयार है। ये देखिए सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है, गैस बंद कर लेते हैं। ये बहुत अच्छे से पक चुका है, देखिए बहुत सॉफ्ट हो गया है। ये सब्ज़ी चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, ये बिहार की रेसिपी है। आज अमावस्या है तो इसलिए हम लोग ओल बना करके खाते हैं। आप लोग भी बनाइए और बताइए कि कैसा बना। फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर से वापस आती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।